फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मेरे बाल का मत देखिएगा। तो अभी मैं छठ का प्रसाद बना रही हूँ, तो देख लीजिए। ये देखिए मेरा छठ का प्रसाद, वहाँ पे मेरा वो बन चुका है अर्घ देने वाला, और ये दूसरा प्रसाद है बांटने वाला बना रही हूँ मैं। तो अभी मैंने स्टार्ट किया है। तो कैसे हैं आप सब? और सबसे पहले आप लोग आज कमेंट में जरूर लिखिएगा जय छठी मैया। और छठी मैया की आज पहला अर्घ है, तो आज सब तैयारी चल रही है। और मैं मतलब नहा के आके और डायरेक्ट प्रसाद बनाने बैठ गई। इसमें दो बार नहाते हैं, जैसे जिनको नहीं पता, बाकी जो छठ करते हैं, हमारी बहनें करती हैं, माताएं करती हैं, तो उनको पता है। तो प्रसाद के पहले भी अच्छे से शुद्ध होके नहाते हैं, और फिर इसके बाद फिर एक बार फिर जब छठ घाट जाना होता है तो फिर एक बार नहा के जाते हैं। तो जब ये सब तैयार कर लूँगी तो फिर एक बार फिर तब जाके तैयार होके नहा के तब तैयार होके तब हम छठ घाट जाएंगे। तो अभी मेरा बन गया, बस थोड़ी सी बाकी है। ये देखिए, ये पता नहीं कैमरा से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये मेरी थोड़ी सी बाकी है। इसके बाद फिर डाला सजाऊंगी और उसके बाद जाऊंगी। सो आज बहुत अच्छा लग रहा है और बिल्कुल कुछ पता नहीं चल रहा है। छठी मैया की महिमा कृपा ऐसी है, कुछ पता नहीं चल रहा, सब अच्छे से हो रहा है। तो मैंने सोचा छोटा छोटा क्लिप बना के आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर करूंगी, और छठ घट जाऊंगी तो शेयर करूंगी। तभी स्टार्ट करती हूँ सुबह से, वही सुबह से नहीं हो पाता, काम चलता रहता है। तभी अचानक से याद आया कि थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ, आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए बनाती हूँ और फिर डाला सजाऊंगी, तो आप लोगों को जरूर देखिएगा। जल्दी जल्दी में नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला था कि डाला सजाऊंगी तो दिखाऊंगी, लेकिन वो क्लिप मैंने नहीं बना पाई, क्योंकि जानते हैं काम जब दिखता है तो फिर ये थोड़ा ध्यान नहीं जाता है, तो उस समय काम भी बहुत जाते हैं, चाहे आप कोई छठ करें चाहे घर के, जैसे कोई ऐसे काम होता है, एक से एक काम आते जाता है। तो सीधे मैंने जब जा रहे हैं हम लोग निकल रहे संध्या अर्घ के लिए, तभी मैंने आप लोगों से मिली। मैंने बोला चलो हाय हेलो तो स्टार्ट फिर से कर दूँ, ताकि बीच में तो मैंने कोई वीडियो क्लिप बना नहीं पाया, तो क्षमा चाहूँगी आप लोगों से। तो ये देखिए हम लोग रेडी होके जा रहे हैं, और आप लोग बताइए कैसे लग रहे हैं। हालांकि मेरी वीडियो थोड़ी लेट जा रही है, और ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि थोड़ा काफ़ी दिनों के बाद मैंने शेयर कर रही हूँ। तो जैसे मैं ब्लॉग भी बनाती हूँ, तो ब्लॉग सोचे कि क्यों ना शेयर करूँ, मुझे अच्छा लगता है ब्लॉग बनाना, आप लोग से शेयर करना। आप लोग अपना प्यार दीजिएगा मेरे ब्लॉग को। तो ये हम लोग घर से थोड़ी दूरी पर है, ज़्यादा दूरी नहीं, एक लेक है जो वहाँ पर हम लोग जाते हैं छठ कर। कुछ लोग देख, कुछ मेरे जान पहचान के दो तीन लोग हैं जो कि छत पे ही करते हैं, लेकिन मुझे लेक पे जाके, पोखर हो, तालाब हो, यहाँ जाके करना अच्छा लगता है, कि सबके साथ करने में बहुत ही अच्छा लगता है, आनंद आता है। और ऐसे अकेले अकेले करने में क्या है, और छठ ऐसा चीज़ है कि सबके साथ मिल के करो, जो पहले से जो बनाया हुआ है सब एक साथ मिलने मिलकर करने का ही बनाया हुआ है, ऐसे नहीं है। तो यहाँ देखिए मैं तो आ रही हूँ, और ये जो ढका हुआ था तो उसका जो मैंने कपड़े से, न्यू कपड़े से ढका था, तो मैंने बेटे से कि वहाँ पर, क्योंकि नया करक कपड़ा है ना, तो उतना अच्छे से उसको सेट हुआ नहीं तो गिर गया, तो फिर मैंने उसको अच्छे से उठा के बाद में धो के ढक दूंगी, उसको ले लिया मैंने, क्योंकि वो बार बार फिसल रहा था। तो चलिए आप लोग चलते हैं और दिखाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और इस साल तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ था, क्योंकि पिछली बार भी भीड़ था, ऐसा नहीं कि नहीं था। आप लोग मेरे लास्ट ईयर का जो है ब्लॉग देख सकते हैं छठ का, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा ही भीड़ था, क्योंकि मतलब एक बार कोरोना का थोड़ा सा चक्कर था, तो इसलिए। और ये देखिए मेरे हाथों में, मैं कैसे ऊपर से ढलान भी है, पैरों में ना पत्थर चुभ रहे थे, सो बड़ी संभल के आ रही थी। और मैंने ये बेड शीट भी ले लिया है बैठने के लिए, कि नीचे बिछा के बैठने के लिए, लेकिन इस बार लेकर आए तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से जो है मैट बिछाया हुआ था, तो उसी पर बैठे हुए थे, तो इसलिए लेकर मैं आई थी हाथ में, क्योंकि सब लोगों का हाथ बिजी था, तो मैंने भी लेकर आई। और ये देखिए ये छठ घाट है, बहुत ही अच्छे से सजाया हुआ था। ये है नागपुर का फुटाला लेक, ये बहुत ही फेमस है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा शो भी होता है, लाइटिंग का शो होता है। तो यहाँ पे जो है नितिन गडकरी ने इसको यहाँ पे आकर उद्घाटन भी किया था, उन्होंने बहुत ही अच्छे से बनवाया है। तो ये दूसरे साइड का है, उस साइड का भी वीडियो मेरे पास है, मैंने भी ब्लॉग बनाया था जब शो हुआ था, तो गई थी, तो हो सकता है तो मैं शेयर कर दूँ आप लोगों को, देखना अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे दूसरे साइड में यहाँ पर खाली है, वहीं पर सब लोग छठ करते हैं। पिछले साल भी हमने यहीं पर मैंने किया था, और इस साल भी यहीं पर किया था। तो मेरे दो फ्रेंड थे, बोले घर पर ही कर लो, छत पे कर लूँगा, नहीं नहीं मुझे वहीं जाके सबके साथ करना अच्छा लगता है, घर पे अकेले अकेले क्या अच्छा लगता है। तो यही चीज़ है। तो देखिए सब लोग आ गए हैं, और यहाँ पे एक दिन पहले ही आके मेरे हस्बैंड भी बना के मिट्टी के चले गए थे,
सब लोग अपने अपने नाम से बना लेते हैं, और गांव में जानते हैं गांव में जो है ईंट और सीमेंट का बना, एक बार बना दीजिए जैसे सोता बोलते हैं, तो वहां पे जाके अपना परिवार के साथ अपने घर के अपने लोग मिलके बनाते तो करते हैं, लेकिन यहां पे मिट्टी का बनाते हैं तो मिट्टी का हरसल बनता है ऐसे बच्चुटा सब जो है। तो यहाँ पे हमने बेदी बना दिया था और यहीं पे फिर पूजा जा चल रहा था, और यहाँ पे सब आप लोग भी है जो है एंजॉय की थोड़ा सा। यहाँ पे भोजपुरी का जो छठ गीत है थोड़ा म्यूजिक चल रहा था तो थोड़ा कॉपीराइट ना आ जाए, इसलिए मैंने जो है साउंड को म्यूट कर दिया। तो इस बार तो मेरा छठ इससे बहुत ही अच्छा गया, क्योंकि पिछली बार हम लोग नए नए आए थे ना तो फ्रेंड मेरे ज़्यादा नहीं बने थे, इस साल तो बहुत ही ज़्यादा मेरे फ्रेंड भी बन गए हैं और यहाँ पे छठ घाट पे आए भी थे, तो बहुत ही अच्छा लगा सबके साथ में करने में। तो पिछली बार हम लोग अकेले ही थी, हमारी फैमिली बस थी और तभी हमने किया था, लेकिन इस बार बहुत, लेकिन तब भी अकेले कहाँ, जब आप घाट पर आते थे सब एक फैमिली बन जाती है, सब लगता है सब अपने ही अपने गाँव के हैं, सब आस पास के हैं, एक अलग ही माहौल है। अब क्या बोलूँ, बताने में भी इतनी खुशी मिल रही है ना, मतलब एक अलग ही अनुभव होता है। सो आप लोग तो जानते ही होंगे जो इस अनुभव को जानते हैं। तो काफ़ी फ्रेंड मेरे यहाँ पे आ गए थे, बने थे, और कुछ फ्रेंड जो है मतलब सुबह में भी आए थे, बाद में भी आए थे, तो करने में बहुत ही अच्छा लगा था। आप लोग भी देखिए, तो सभी लोगों को नाक से सिंदूर ज़्यादा समय हम लगाते हैं, और दूसरे दिन जब सेकेंड दिन जो होता है ना प्रातः का अर्घ, तो उसमें तो सबको आशीर्वाद के रूप में सिंदूर लगाना और प्रसाद देना, टीका लगाना यानी तिलक लगाना जेंट्स को, तो होता ही है, लेकिन शाम को भी सुहाग के रूप में देते हैं और नाक से लगाते हैं। तो आप लोगों से वैसे छठ बीत गया, लेकिन अगर कभी भी आप लोग सुहाग किसी से ले रहे हैं तो नाक से ज़रूर सिंदूर लगवाइएगा। सुहाग बहुत ही बोलते हैं अमर अजर अमर बनता है अपना सिंदूर सुहाग, इसलिए नाक से लगवाइएगा, यही मेन होता है नाक से लगाने का। तो नाक से कभी भी शुभ टाइम पे आप लोग कभी किसी से सिंदूर लगवा रहे हैं तो नाक से ज़रूर लगवाइएगा। तो यही मेरा था, और यहाँ पे रील्स बन रहे थे, मेरी फ्रेंड बोली आओ और रील्स बनाती हूँ, तो हालांकि इस रील्स को मैंने तो शेयर नहीं किया कि काफ़ी दिन हो गए, मुझे अच्छा ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दिन के बाद वीडियो शेयर कर रही हूँ, लेकिन मेरा मन था कि शेयर कर देती हूँ, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया एडिटिंग करने का, सो अभी डाल रही हूँ। तो ये रील्स बन रहा था, मेरी फ्रेंड ने बना रही थी तो मुझे चलो बना लो, उसको वो मन था तो मैंने बोला चलो ठीक है बना लो। मेरा ये भी इंस्टाग्राम पर है, अगर आप लोग फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, मेरे अबाउट में है, वहाँ से आपको मेरे इंस्टाग्राम का आईडी आपको मिल जाएगा। तो बस यही है, यहाँ पे रील्स बन रहे थे और अब छठ घाट से जो है अब हो गया, काफ़ी शाम हो चुका था, शाम के अंधेरा होने वाला था तो सब लोग जाने लगे थे, तो हम भी चलते हैं और हम भी अब निकलते हैं। आज के शाम का जो अर्घ हो चुका है, अब कल सुबह छठी मैया को फिर से प्रातः काल का जो अर्घ है वो देने आएंगे हम सूरज भगवान को, और यहाँ पे जा रहे हैं हम सब लोग सारे फ्रेंड्स मिलके। बहुत ही अच्छा, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, मेला जैसा बिल्कुल लगा हुआ है और काफ़ी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स अभी हम वहाँ से आने के बाद में अभी मैंने दौरा सजा दिया है, मतलब कि जो चेंज करते हैं ना रात को, जिससे मैंने बताया था आपको रात, हम लोग वहाँ से आने के बाद में अभी मैं थोड़ा रेस्ट नहीं की, थोड़ा बैठी हुई थी, उसके बाद फिर मैंने दौरा को सजा दिया है, दौरा को जो है ठीक कर दिया। ये देखिए इसको जो
अक्षत होता है और ठेकुआ होता है और चावल के लड्डू होते हैं उसको हम चेंज करते हैं। मेन वही चेंज करना होता है, बाकी आप फ्रूट है आपकी मर्जी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने चेंज किया और अभी बैठ के मैं क्या दिखाऊं आपको, सब्जी काट रही हूँ मैं। तो अभी बैठ के मैं सब्जी काट रही, दौरा चेंज नहीं, बैठे बैठे सब्जी काट रही हूँ। जो सब्जी उसमें बरबट्टी और बट्टी जो चढ़ाते हैं ना, केला कच्चा केला और कद्दू, जैसे कच्चा कद्दू भी है तो ये भी हम रख देते हैं। तो इसको ये सब प्रसाद के रूप में है तो इसको हम डाल के बनाते हैं। तो वही हम मैं काट रही हूँ सुबह के लिए। सुबह जाने से पहले सब्जी बना के जाती हूँ, वहाँ से आने के बाद फिर मैं खाना बना लेती हूँ, दाल चावल जो भी बनाना होता बना लेती हूँ। सो यही है, अभी नींद भी आ रही है, सुबह उठना भी है, 3 बजे करीब उठ जाना है, फिर नहाना धोना तैयार होना। तो यही था, और धोकर होगा तो आगे मैं ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो अभी आज के ब्लॉग के लिए आप सबको गुड नाइट और आगे मिलेंगे। और मेरा बिस्तर भी जो है लग गया है, थोड़ा मोटा मोटी लगा है बिस्तर मेरा। तो मिलते हैं एक नई ब्लॉग में, जो है कल का सेकेंड पार्ट ब्लॉग अगर होगा तो डालूंगी। और आप लोग मेरे ब्लॉग को प्लीज़ प्यार दीजिए, शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोग भी देख सके, अच्छा लगेगा। तो और लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए तब तक मिलते हैं, गुड नाइट। और आप सबको एक बार फिर से छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, गुड नाइट फ्रेंड्स। अभी बहुत रात हो चुकी है, टाइम दिखाऊंगी तो आप बोलोगे इतनी रात, 10 बज गई है।